गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं सुबह के बज गए हैं 10:15 और अभी मैं जा रहा हूँ जिम में 10 बजे। सैटरडे नाइट की थी मैंने, मैं भाविक, जयविन, नम्या और नम्या की कजिन बहन फोरम, हम 5 जन थे। मैं मेरी बहन के घर पे गया था नाइट करने के लिए, तो मैं उस टाइम पे सोया 4:30 बजे सुबह और फिर उठा 9:30 बजे। फिर पूरा दिन संडे को सोया ही नहीं और शाम को फिर एक फ्रेंड का बर्थडे था, कॉलेज फ्रेंड का, तो हम लोग मिले थे और टाइम के बाद मिले हम लोग, तो मज़ा आया उधर भी। फिर मैं रात को घर पे आया, बाद में भाविक के साथ भी गया था, तो घर पे आते आते मुझे 10 बज गए और सोते सोते 11:15 बज गए। फिर मैंने सुबह से दोपहर तक बिजी रहने वाला हूँ, तो सुबह 5:30 बजे उठ के पढ़ लूँगा। जैसे ही मैंने ये बोला, मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था मैं 5:30 बजे उठ के पढ़ने वाला हूँ। मतलब उठा ही नहीं, मुझे पता था मैं उठने नहीं वाला हूँ, बट ट्राई करने में क्या जाता है। तो 5:30 बजे 2-4 अलार्म बजे उठ भी गया मैं, लेकिन फिर ऐसा बाहर एक अंधेरा देखा थोड़ा बहुत, तो मान उड़ गया, नहीं पढ़ने गए। तो कोई नहीं, आज रात को मैं आऊँगा, मतलब शाम को 4-5 बजे के लिए आ ही जाऊँगा, उसके बाद दबा के पढ़ेंगे। मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो कपड़े हो गए चेंज, अभी बाल भी सेट करने, और अभी भी मुझे नींद आ रही है, मतलब उठने का मन ही नहीं था, लेकिन बाहर जाना है, काम बताना है 2-3, तो इसलिए सोचा कि नहीं उठ जाता हूँ। और रात को भी मैं जल्दी सो जाऊँगा, तो सुबह मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि अभी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होगी, पता नहीं कभी बट स्टार्ट होगी। पहले यार बाल सेट कर लेता हूँ, वैसे ही बड़े अच्छे से सेट हो गए, नहीं फिर भी बाल सेट हो गए। और अभी कल रात सुबह मैं जब मेरी बहन के घर पे से आया था, तो मैं जेविन को भी लेके आया था, तो अभी जेविन को जा रहा हूँ उसके घर पे छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं और भाविक जाएंगे जिम में। चलो, जो रिप्लेस करना था मैं उसको ही भूल गया, मैं नीचे जाके वापस आया। बाय। हाँ, जिम से निकल गए और अभी प्लान में थोड़ा बहुत चेंज है, अभी डायरेक्ट यहाँ से बोरीवली नहीं जा रहे, अभी जा रहे घर पे, क्योंकि पसीना बहुत हो गया तो नहाना पड़ेगा, तो अभी घर पे जाके नहा के फिर जाएंगे बोरीवली। जिम से घर पे आ गया, पानी रखा है गर्म करने के लिए, अभी नहाऊंगा, क्योंकि अभी अगर ऐसे हालत में बोरीवली जाता तो बहुत चिकचिक हो जाता, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया पहले घर पे जाते, नहा लेते, फ्रेश होते, उसके बाद जाते आराम से बोरीवली जाएंगे, फिर उधर से डायरेक्ट अंधेरी जाएंगे। अभी अंधेरी क्यों जाना है वो भी बताता हूँ आपको रास्ते में, बने रहिए मेरे साथ। आने का पानी तो रेडी हो गया, लेकिन अभी वो ही सोच रहा हूँ कि कौन सा टी शर्ट पहनूँ। यही पहनता हूँ, तो चलो मैं नहा के आता हूँ। नहा लिया, एकदम मस्त फ्रेश हो गया, एकदम चिपचिपा चिपचिपा लग रहा था, अभी अच्छा लग रहा है नहा के। खाना खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ मैं आपको। हम लोग वो सर्विस सेंटर में जाके तो आए, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी 30 से 40 जन की लाइन थी और टाइम हो गया है 1:45। वैसे भी 2 बजे वो सर्विस सेंटर बंद होने वाला था, तो हम लोग का नंबर वैसे भी आता नहीं, इसलिए वहाँ पे खड़े ही नहीं रहे, तो अभी निकल रहे अपना ये अंधेरी के लिए। ये हमारे दोस्त मित्र ऋषभ शाह जा रहे हैं अंदर ATM में, और हम हैं कैमरामैन भाविक सोनी। ये देखो आ गया, ये अभी ATM से पैसा निकाल लिया, अभी बिल्डिंग में जाएंगे, फिर हम लोग सीधा भी निकलेंगे अंधेरी के लिए। लेट्स गो। हम लोग पहुंच गए लिंक रोड पे, अंधेरी जाएंगे लिंक रोड से, क्योंकि जहाँ पे हम लोग को जाना है वहाँ पे लिंक रोड से नज़दीक होगा, वरना हाईवे से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। हाँ, अभी कहाँ पे जा रहे हैं वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अच्छा है कि आज बारिश नहीं हुई, उस टाइम भी नहीं हुई थी, अच्छा था, नसीब अच्छे। अगर बारिश होती तो पूरे गीले गीले हो जाते, और बारिश में भी अभी जाना पड़ता, और क्या करते, और लेट हो जाता। इतना प्लेजेंट वेदर हो रहा है ना कि मन कर रहा है अंधेरी तो छोड़ो, उससे भी आगे चर्च गेट जाते हैं, मस्त राउंड मारते हैं। क्या बोलता है भाभी? जाते वैसे लॉकडाउन नहीं हुआ करता तब 2019 में मैं और भाविक मतलब इतना घूमे हैं ना, मतलब बात ही पूछ मत।
मेरे क्लासेस ख़त्म हो जाते थे, फिर मैं उसको कॉल करता था भाविक को, और वो उसकी कॉलेज होती थी, तो उसको बोलता था चल भाई जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स नहीं है, और वो भी उल्टा बोलता हाँ चल जाते हैं। तब उसकी नई नई 5G आई थी आई गेस, दलसर और वो सब जाते हैं और बैकरोड ही नहीं गए, क्योंकि हम लोग मैं यश और भाविक शाम को जब हम लोग फ्री होते थे ना तो बैक रोड का राउंड मारते ही थे, एकदम मस्त मज़ा आता है उधर, एकदम खाली खाली और शांत रहते हैं, और शाम को कुछ अलग ही वातावरण रहता है उधर का, इसलिए हम लोग दोपहर को जाते थे ऐसे 4 या 5 बजे। हम लोग एक्चुअली प्रॉपर जोगेश्वरी के अंदर जाने ही वाले थे, तब भाविक ने गूगल मैप चेक किया तो बोला कि प्रॉपर अंधेरे में नहीं जाना है, ओशीवारा में जाना है, तो वापस यूटर्न लेके अभी आना पड़ा, तो अभी बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, अभी आई थिंक यहाँ से राइट है, हाँ राइट है, और उसके बाद और राइट है बराबर, हाँ दो राइट है, उसके बाद हम लोग के डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है आज, ऐसा मन कर रहा है कि काम हो जाएगा फिर भी घर पर नहीं जाने का, अरे नहीं हाँ यश के साथ भी जाने गए, उसके पीसी का टेबल और चेयर लेने के लिए, अभी उसको भी कॉल करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे आ ही गए तो आपको बता दूँ, हम लोग यहाँ ओशीवारा में इसलिए आए हैं कि भाविक, आपको मैंने बताया था पहले की वीडियो में कि भाविक को कुकिंग का कोर्स लेना है, तो ये जो कैंपस है वो उसका ही है, तो बस कैंपस देखने के लिए और कुछ इंक्वायरी है वो करने के लिए ही आए हम लोग, ऑलमोस्ट पहुँच गए। अभी हम लोग कैंपस में तो आ ही गए, अभी सैनिटाइज कर लेते हैं। कैंपस में पहुंच गए हम लोग, कहीं भाविक को कोई जो राहुल सर है उसको मिलना है अभी, गए से मिरर अच्छा है। तो हो गया है भाविक का कैंपस देख के हो गया है अभी, और जो समझना था वो भी सब समझ लिया है, अभी बस भाविक को उसके घर पे जाके उसके मॉम डैड से बात करनी है कि क्या है क्या नहीं है, अगर हाँ बोला उसके मॉम डैड ने तो कल भाविक आएगा इंटरव्यू देने के लिए, और अंदर शूट करने को मना किया बिकॉज परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर सोचा छोड़ो यार क्या परमिशन के पीछे भागने का, इसलिए नहीं किया, लेकिन कैंपस अच्छा था। और अभी काम हो गया है, और अभी यश के साथ जाना है उसका टेबल लेने के लिए, तब पता नहीं चला कि कब पहुंच गए, और अभी घर पे जाने का मतलब दूसरा काम करने का टाइम आया, और पूरा जाम है, पता नहीं किस बात का जाम है, हम लोग जब कैंपस में जा रहे थे तब इधर के साइड जाम नहीं था, सिर्फ सिग्नल था, इधर का सीन है पता नहीं, तो यश को कॉल किया कि नीचे आ जा, हम लोग 10 मिनट में पहुंच रहे, क्योंकि हम लोग को कैंपस पहुँचने में 10 से 15 मिनट ही लगा था हार्डली, क्योंकि रास्ते सब एकदम खाली थे, और अभी उसको बोले अभी वो नीचे आगे खड़ा होगा फिर कॉल पे कॉल करेगा किधर है किधर है। अभी हम लोग यश के वहाँ पे जा ही रहे थे तब सोचा कि यार बीच में बैक रोड खुलता ही है, ग्रीनरी इतनी है ना कि पूछो ये मत, ये देखो भरपूर ऑक्सीजन है यहाँ। मुझे लगता है वो नीचे ही वेट कर रहा हो उसे शक्ल देखने जैसे, और ये आसमान में दिख रहे काले बादल वापिस आ गए, अभी बस 1 घंटे के लिए बारिश में आएगी चलेगा, 1 घंटे के बाद धूप में आएगी चलेगा, और मेरे लेफ्ट साइड पे इन्फिनिटी मॉल, ये मॉल में भी लास्ट हम लोग 31 दिसंबर को आए थे है ना भाई, हाँ मोस्टली 31 दिसंबर को आए थे या फिर क्रिसमस में आए थे, दोनों में से एक। तो अभी हम लोग बैक रोड से बाहर निकले इन्फिनिटी की तरफ, लेफ्ट लेने वाले हैं, मेन एंट्रेंस वहाँ पे ही है उसका, तो देखा कि बहुत जाम था लिंक रोड, फिर सोचा कि यार इस लिंक रोड से जाएंगे तो आधा घंटा तो पकड़ ही लो, क्योंकि बहुत जाम था, बस ट्रक बहुत थी, और इसलिए सोचा कि नहीं पीछे से जाते पूरा घूम के। तो अभी थोड़ा रास्ता ये पैच में ही सिर्फ ऐसे है, तो रास्ता थोड़ा अच्छा ही था, अगर लिंक रोड पे खड़े रहते तो वो रास्ता, और वो यश तो बेचारा ऑलरेडी खड़ा है नीचे, लेट हो जाता है अगर फिर बारिश आएगी तो और दिक्कत दे, और वैसे ही मेरे बाल मुझे दिक्कत दे ही रहे आपके सामने आ जा रहे बार बार, मुझे तो उसके रिएक्शन देखना मतलब क्या बोलेगा वो, आई गेस नीचे ही खड़ा हो, तुझे क्या लगता है घर पे रहेगा कि नीचे खड़ा हो, नीचे देखते हैं। और ये हम लोग आ गए ऑफलाइन में, अगर
हाँ लिंक रोड से निकलते फिर भी हम लोग ऑफलाइन में ही आते, लेकिन लिंक रोड पूरा जाम जामा। ये सिंगल सीटर का मुझे समझ में नहीं आता, सिंगल सीटर लेके जाएंगे कहाँ पे? मुझे तो मैं अगर घर पे लेके गया ना सिंगल सीटर बाइक वापस भेज देंगे, जहाँ रिटर्न करके हम लोग किधर बैठे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं वर्ष के वहाँ, अभी देखते क्या बोलते हैं वैसे उधर होगा। यहाँ पे खड़े यस चलो पहली बार थी वो है आधे घंटे से खड़े आपने देखा ही रहेगा यश का रिएक्शन, लेकिन हम लोग की कोई गलती नहीं है। लिंक रोड पे आपने भी देखा ट्रैफिक था ट्रैफिक, तो इसलिए लेट हुआ, कोई बात नहीं होता है, मुंबई में ट्रैफिक तो कॉमन है। तो अभी मॉम को कॉल कर दिया कि पहुंच गया हूँ यहाँ पे कांदीवली में आ गया, क्योंकि कॉल करना ज़रूरी है। मैंने वहाँ पे पहुंच के कॉल नहीं किया था, वो मैं भूल गया था, तो अभी कॉल कर दिया, तो अभी उनको भी शांति मिले, वापस वो टेंशन लेके बैठते, इसलिए बोल दिया कि अभी यश के साथ जाऊँगा टेबल लेने के लिए। हम लोग मतलब अंधेरे में काम हो गया, डर यही था कि बारिश ना आए, तो अभी थोड़ी थोड़ी बूंदे आ रही है, वो आपको शायद से दिखेगी नहीं कैमरा में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदे आना चालू हो गया है, ज़्यादा आएगी तो रुकना ही पड़ेगा। अभी हम लोग मारवे सब जाके आए, पूरा ये मालवाड़ी साइड ये सब घूम लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। टेबल वाला एक टेबल वाला मिला था, लेकिन वो ज़्यादा बोल रहा था, इसलिए सिर्फ उसका नंबर लेके रखा है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे, और काफ़ी टाइम के बाद ये वाले रास्ते पर आया। ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग यहाँ पीछे से आ गए, अभी आगे शायद से थोड़ा रास्ता कच्चा है, लेकिन अभी बंद नहीं किया तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से आए भी नहीं है, तो लेट सी बनाए कि नहीं बने। और आगे का तो जैसा था वैसा ही है, यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि पडल्स इतने सारे हैं। मस्त ऑफ रोडिंग हो गई आज शाइन में। अरे 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 भाई भाई और गलत, अरे शिट। तो गाइस मेरे पैर देखो, अभी आपको दिखाता हूँ, यही प्रॉब्लम होता है ऐसे रास्तों का। ये पडल के वजह से पूरा ये चिक्कल चिक्कड़ हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा लग गया और भाभी के शूज़ पे भी लग गया, लेकिन कोई बात, हम लोग पानी कैरी किए हम लोग ने, तो अभी साफ हो जाएगा। अभी घर पे जाके अच्छे से पैर धोने पड़ेंगे, अच्छा है बारिश नहीं हुई, अभी भी काले बादल है लेकिन बारिश नहीं हुई, अच्छा है। अभी तो सब काम ख़त्म हो गए, अभी डायरेक्ट जाएंगे चाय पियेंगे, अभी चाय की सख्त ज़रूरत है, 5:30 बज गए तो चाय चाहिए, अभी चाय लागबे। फिर भी जो सोचा था उसके तो बहुत पहले आए गए टाइम के, मुझे तो लगा कि आते आते 6-7 तो आराम से बज ही जाने वाले, लेकिन 5:30 बजे हम लोग आ गए घर पे। यहाँ पे मैं ट्राईपॉड लेके गया था, लेकिन उसका कुछ यूज़ ही नहीं आया, क्योंकि मुझे कैंपस में शूट करने को ही नहीं मिला, इसलिए मैं ट्राईपॉड लेके गया था। ये रास्ते में अगर एक्टिवा पे इसको यूज़ करता तो इससे क्या, फ़ोन अगर स्लिप होके गिर भी सकता है खड्डे वड्डे में, इसलिए उधर रिस्क नहीं लिया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। आज पूरा दिन बाहर था, दोपहर में भी और सुबह में भी, तो पढ़ने का टाइम तो मिला नहीं, तो अभी पढ़ लेता हूँ थोड़ा, मतलब जो मुझे कंप्लीट करना था आज के दिन में वो तो हो ही जाएगा। चलो तो आज ऑलमोस्ट पूरा दिन मैं बाहर ही था, तो स्टीम तो लेना पड़ता है, क्योंकि कोरोना अब तक गया नहीं है, तो प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं और लेने भी चाहिए, क्योंकि अभी तो थर्ड वेव की बात चल रही है, तो आप लोग भी अगर बाहर बहुत जाते हो तो स्टीम ले लिया करो, इट्स गुड। ठीक है, ये व्लॉग भी पहले के व्लॉग की तरह लंबा हो गया, तो कोई नहीं,
आप एंजॉय करो लंबे ब्लॉग को भी। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।